यही सोच रही हूँ कि राखी का ज्वालामुखी फूट क्यों नहीं रहा है। जो बंदी बिना बात की इतनी कंट्रोवर्सी कर देती, वो अचानक से मेरे मैटर में, जहाँ मैं उसके बारे में खुल के दुनिया के सामने आकर बात कर रही हूँ, उस मैटर में वो चुप क्यों बैठी है। हूँ मैं मेरी स्टोरी में डालने का, मैं पूरी दुनिया को बोल दूंगी ये मुसलमान लोग हैं, ये मुसलमान मेरे साथ कैसा कर रहे एक बुरखा के लिए। सी, जैसे आपको पता है कि पिछले 1 साल से मैं कैंसर से लड़ रही थी और उसी बीच एक नया कैंसर मेरी लाइफ में आया था जिसका नाम है राखी सावंत। मुझे नहीं पता था, मैं उसे पर्सनली आज भी नहीं जानती, वो क्या है क्या करती है मुझे नहीं पता। पर उस बीच जब मेरी कीमोथेरेपी चल रही थी पिछले 3-4 महीने पहले, उस वक्त इसका कुछ, इसके हस्बैंड और कुछ फ्रेंड्स के साथ इसका कुछ चल रहा था जो अब लीगल हो चुका है। तो उस दौरान ये मेरी सिस्टर के टच में आई और इसने कहा कि उसको उम्रा करने जाना है, तो उसको अभायस चाहिए थी। सो शी सेड तुम मुस्लिम हो, मैं नया नया मुस्लिम कन्वर्ट हुई हूँ, तो मुझे थोड़ा सा कहीं कहाँ से लेकर आना है ये सब कुछ अरेंज करके दो। सो सिंस जैसे ही एक धर्म की बात आती है तो हम सब इमोशनल हो जाते हैं, तो हमने उसको गिफ्ट में ला कर दे दिए। माई सिस्टर गिफ्टेड हर और उसने पहने, जाके उम्रा किया, शी केम बैक, एवरीथिंग वॉज नाइस, वो अच्छा अच्छा चल रहा था सब। तो उसके बाद उसको जब उम्रा से वापस आई तो उसको फिर से हर बार मीडिया में जाने के लिए अभाया चाहिए था। सो इट वॉज़ नॉट ईजी कि उसको हर बार हम गिफ्ट में देंगे, तो आई सेड कि कुछ इसका अरेंजमेंट कर देते हैं, कहीं से कुछ हो सकता है। तो सो वी अप्रोच वन अबाया ब्रांड, सो दे सेड किसके लिए चाहिए। तो जब राखी सावंत का नाम बताया तो सबको पता था कि वो अभी नई कन्वर्ट हुई है, तो फिर वही एक होता है, उनको लगा कि चलो एक गिफ्ट में दे देते हैं। तो नॉर्मली जैसे हदिया बोलते हैं मुस्लिम्स में उसको, तो एज अ हदिया उसको दे दिया। एक अच्छा टर्किश स्टाइल का बहुत एक्सपेंसिव एक्सक्लूसिव उसको गिफ्ट में मिला, वो उम्रा के बाद। जब हमने उसको और ला कर दे, उसको और चाहिए थे, बिकॉज शी सेड कि मैं विदाउट बुरका पहने मीडिया में नहीं जाऊँगी, मैं हर बार अबाया पहन कर ही जाऊँगी। उसने कुछ पता नहीं उसने क्या डिसाइड किया था, क्यों किया था मुझे नहीं पता। तो अबाया एक और मिल गया उसको, 2 तो पहले मिल चुके थे। फिर शी सेड कि मेरे पास कुछ वॉइस नोट भी है जो मैं आपको सुनाऊंगी कि मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए। तो किसी ने मेरे घर से, किसी ने जाकर वहाँ पर उसको कॉल लगाया कि कौन से पसंद है देख लो, वीडियो कॉल किया। सो शी सेड कि लाल पीला जो जो उसको पसंद आया उसने बता दिया, तो वो उसके लिए अरेंज कर दिया। बात ये हुई थी कि ये पहनेगी, एक स्टोरी डाल के टैग करेगी ब्रांड को और वापस कर देगी, पर ऐसा उसने किया नहीं और वो गायब हो गई। तो जब 20-25 दिन गुजर गए और उसने कुछ टैग नहीं कर रही है और अबाया लेके बैठी हुई है, कहीं अपीयरेंस नहीं है उसका, कोई पैप्स ने उसको कैच नहीं किया, कहीं पे गया नहीं। तो हम लोगों ने उसको कांटेक्ट किया, मेरी सिस्टर ने कांटेक्ट किया, बिकॉज आई वॉज नॉट कीपिंग वेल। तो वो एकदम सडनली भड़क गई, अजीब अजीब मैसेज करने लगी कि मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। मेरे पास बहुत सारी वॉइस नोट्स हैं, लेकिन उसमें से मैं कुछ 2-3 आपको सुनाती हूँ, जिससे आपको पता चल जाएगा कि राखी कैसे अपने रंग बदलती है। रोज़लिन खान को बोला, उसने मुझे ज़कात दे दी, ठीक है, तुम लोग को शर्म आनी चाहिए, उन लोग को 1-2 बुरखे दे दिए ना, तो शर्म आनी चाहिए, ठीक है, मुझे ज़कात दे दी। अब ये रोज़लिन खान से एक भी ब्रांड नहीं चाहिए, मेरे पास करोड़ों लोग हैं जो मेरे पिछवाड़े में पड़ जाए, बुरखे दो, ये दो, वो दो। मैंने एक बुरखा पहन के उनको बहुत पब्लिसिटी दे दी है। 5 लाख लेती हूँ मैं मेरी स्टोरी में डालने का, मैं पूरी दुनिया को बोल दूंगी ये मुसलमान लोग हैं, ये मुसलमान मेरे साथ कैसा कर रहे एक बुरखा के लिए। मुझे बुरखा पहना के, शेम ऑन दिस पीपल।